हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको वाला। माई सेल्फ अहम सिंह, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली अपने कॉलेज की इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लैब्स दिखाएंगे आपको, लाइब्रेरी दिखाएंगे और कॉलेज के सम इम्पॉर्टेंट व्यूज दिखाएंगे और मस्ती के कुछ वीडियो भी दिखाएंगे। ये हमारा फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है, दिस इज़ प्रोफेसर एंड हेड। यहाँ पे डॉक्टर रंजन दीक्षित सर इज़ अवर HOD ऑफ द फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये सर का ऑफिस है। नेक्स्ट पे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चारू मैम, और ये हमारा ट्यूटर रूम है। यहाँ पे हमारे JRs बैठते हैं। ये सर डॉक्टर नीमम सर हैं। ये हमारा हिमेटोलॉजी लैब है, ये भी फिजियोलॉजी का ही डिपार्टमेंट है। फिजियो में दो प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्लिनिकल और एक हिमेटो। हिमेट में ये हमारा जैसे ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, CTBT, बाकी सब ब्लड से रिलेटेड जितने भी आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं यहाँ पे कराए जाते हैं। ये कॉलेज के 4th फ्लोर पे अपना डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये हम लोगों ने बनाया है MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल बैच 2020-2021 बैच, और ये हम लोग का 1st to 10th रोल नंबर। फिर चलते हैं, यहाँ पे है अपना HOD सर का रूम। डॉक्टर विष्णु सर इज अवर HOD डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। दिस इज द एसोसिएट प्रोफेसर रूम डॉक्टर आशीष सर, एंड दिस इज डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी। ये डिपार्टमेंट का अपना ऑफिस है, यहाँ पे जितने भी पेपर वर्क्स होते हैं यहीं पे होते हैं, और ये है अपना रिसर्च लेबोरेटरी, ये भी हम लोगों ने बनाया है रिसर्च लेबोरेटरी। ये डिपार्टमेंट का नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले डिपार्टमेंट की यहीं पे हम लोग को बताया जाता है। सेकेंड, ये ट्यूटर रूम, डिमॉन्स्ट्रेटर रूम, यहाँ पे हमारे JRs और हमारे ट्यूटर्स बैठते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम लोग सर से डाउट क्लियर करने आते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर रूम है, इज अवर बायोकेमिस्ट्री लैब, अंडर ग्रेजुएट बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी, ये भी हम लोगों ने ही बनाया है 10 लोग मिलके। चलते हैं लेबोरेटरी के अंदर। दिस इज अवर बायोकेमिस्ट्री लैब, ये भैया लोग हैं यहाँ पे असिस्ट करते हैं हम लोग को, और यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं जितने भी बायोकेमिस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ पे हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं इसके हेल्प से या इसके परफॉर्म करते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी की ये पार्ट्स हैं, रीडिंग हॉल 1, और आइए देखते हैं लाइब्रेरी में पढ़ाई कैसे हो रही है। दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ लाइब्रेरी, यहाँ पे हमारे लाइब्रेरियन बैठते हैं।
दिस इज अवर सीट्स, और यहाँ पे हम लोग अच्छा पढ़ाई करते हैं, और ये फैसिलिटीज भी हैं, अच्छी हैं, बुक्स वुक्स अवेलेबल हैं। मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे जैसा आपकी आपने देखा अभी, और ये लोग पढ़ने में भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि मस्ती कर रहे हैं। ओके गाइस, ठीक है, बाय बाय। तो हम पहुंच गए हैं अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम प्यार से सीआर कहते हैं, और रूम 107 में। तो आज हम इनके रूम में रैंडम विजिट करते हैं, सो फॉलो मी। हेलो शांतनु भाई, हेलो हेलो ब्रजेश, क्या चल रहा है भाई? पढ़ाई। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप? एनाटॉमी में 16 फुट। अच्छा, एनाटॉमी, एनाटॉमी का काफी टेरर होता है यहाँ तो। यार बढ़िया है, पढ़ाई कर रहे हो। और ब्रजेश भाई? अच्छा, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पढ़ाई का काफी ज्यादा माहौल है, क्योंकि अब हम लोग प्रॉप देने जा रहे हैं। सो ब्रदर्स, अब हम पहुंच गए हैं रूम नंबर 113 में, और ये रूम ऐसा है जहां पे मल्टी टैलेंटेड लोग रहते हैं, और ये रूम हमारे कैमरामैन अभिषेक चंद्रा जी का भी है। सो लेट्स फॉलो मी। हेलो ब्रदर। हाय ब्रो। और व्हाट्सअप? बढ़िया, नथिंग मच। क्या चल रहा है भाई? और ये देख रहे हैं हमारे सचिन भाई यहाँ पे ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का ड्रॉइंग है ब्रदर? ये डूडलिंग है, रैंडम डूडलिंग फ्रीडा कालो का। शी वाज अ मेक्सिकन पेंटर हु यूजली इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड, और वो सेल्फ पोर्ट्रेट ज्यादा करती थी, तो ये उन्हीं का एक रैंडम डूडल है। तो आपकी ये हॉबी है? हाँ। अच्छा है यार, तो कैसे आप कॉप अप करते हैं एमबीबीएस के साथ ड्राइंग भी? अभी क्योंकि प्री प्रॉफ हो गए हैं, तो प्री प्रॉफ के बाद व्हाटएवर लिटिल टाइम वी हैव, तो हम उसमें अपनी हॉबीज परस्यू कर रहे हैं। हां यार, ग्रेट। हेलो अभिषेक ब्रदर, व्हाट्सएप? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो भाई आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो भाई? एनाटॉमी चल रही है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब लोग आइए यहाँ पे, जिसको जो भी लोग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर ज्वाइन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मिलेगा आपको बॉडी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनाटॉमी पढ़ने के। तो हमने सुना है भाई कि एनाटॉमी एक टफेस्ट चैप्टर है, तो आप कैसे अप्रोच करते हो उसे कॉन्सेप्ट समझने के लिए? मेरी एडवाइस यही रहेगी एनाटॉमी के लिए कि आप सिर्फ डायग्राम से फोकस किए रादर देन स्टडी, रादर देन अप थ्योरी। आप अगर डायग्राम फोकस करेंगे, आप सारी चीजों को इमेजिन कर पाएंगे अच्छी तरीके से, तो यू कैन इजीली राइट इट डाउन ऑन योर पेपर, और आपको इतना थ्योरी पे इतना डाटा फिकेशन तक फोकस नहीं करना पड़ेगा। ये रूम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो अब हम आपको दिखाते हैं। हेलो ब्रदर्स, हेलो भाई,
ये हमारे अश्विन मिश्रा जी हैं। हाय। हेलो मिश्रा जी, आप क्या पढ़ रहे हो? भाई नाट्य पढ़ रहे हैं अभी जो है हम लोग, यार रॉर एप्टामन पढ़ रहे हैं एप्टामन। और सौरभ कैसी लग रही है ग्रुप स्टडी आपको? एंजॉय कर रहे हैं यार अभी। रोहन पढ़ाई कैसी चल रही? मजा आ रहा है, ग्रुप स्टडी हो रही है, मजा आ रहा है। सो आप